उड़ीसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्वतंत्र प्रांत बना था, तभी से 1 अप्रैल से उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्वतंत्र प्रांत बना था। किस महारत्न कंपनी ने अगले 10 वर्षों में 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। और अगर ओवरऑल कंट्री देखें तो 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। हमारे देश के अगर स्तर पे देखा जाए तो 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड का 10 वर्षों में 20 गीगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के राजनैतिक मामलों के प्रमुख का पदभार संभालने वाली पहली महिला का क्या नाम है? वो है रोजमेरी डिकॉर्लो। रोजमेरी डिकॉर्लो जो कि अमेरिका की हैं। संयुक्त राष्ट्र के राजनैतिक मामलों के प्रमुख का पदभार संभालने वाली महिला रोजमेरी डिकॉर्लो। एमपी को चिकन की किस प्रजाति का भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है? वो है कड़कनाथ, जो कि एक मुर्गा है। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2018 जीती है? केरल ने जीती है। बंगाल को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से मात देकर छठी बार संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम केरल ने किया है। तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने जीती है। किसको हराया? बंगाल को। पाकिस्तान में हाफिज सईद द्वारा संचालित राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है जिसे अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन सूची में रखा गया है? वह है मिल्ली मुस्लिम लीग। मिल्ली मुस्लिम लीग। मडगांव के पास बाली स्टेशन पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में है? ये कहाँ है? गोवा में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिसका उद्घाटन किया गया बाली स्टेशन पे, वो है गोवा में। वर्ष 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? एम एस धोनी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? दीव। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की पहली महिला इंदु मल्होत्रा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई पहल कौन सी है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या थी? पावरिंग चेंज वुमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या थी? पावरिंग चेंज वुमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये मनाया कब जाता है? 26 अप्रैल को, मतलब ये जो बनाया गया था 26 अप्रैल को। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासी पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया, वो कौन सा राज्य है? केरल। केरल के द्वारा प्रवासी पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। भारत का वह अंतिम गांव जहां बिजली पहुंचने के साथ ही भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है, वो है ली शोंग जो कि मणिपुर में है। ली शोंग में बिजली पहुंचने के साथ ही भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। भारत में सबसे अधिक सत्ता में रहने वाले सीएम कौन बने हैं? वो हैं पवन चामलिंग। कहाँ के हैं? सिक्किम के। पवन चामलिंग सिक्किम के सीएम, जो लगातार 25 वर्षों तक सीएम के पद पर आसीन है। इससे पहले जो सीएम थे ज्योति बसु, वो 23 साल तक लगातार सीएम के पद पे थे। कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के। तो ये 25 साल तक हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जो पूर्व सीएम जो वेस्ट बंगाल के थे ज्योति बसु, वो 23 साल तक लगातार थे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष रैंक पर कौन है? सहजार रिजवी। नौवीं भारत जापान ऊर्जा वार्ता किस शहर में हुई है? नई दिल्ली में। नौवीं भारत जापान ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में हुई है। 15वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? वाराणसी कर रहा है। भारतीय बीमा विनायक एंड विकास प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सुभाष चंद खदुया को। भारतीय बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? सुभाष चंद खदुया को।
WHO के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। उनमें से सबसे खराब शहर कौन सा है? वह है कानपुर। नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? मेवात, जो कि हरियाणा में है। नीति आयोग ने जो अध्ययन किया था उस जो लिस्ट निकाली थी उसमें भारत का सबसे पिछड़ा जिला है वो मेवात है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास उत्तराखंड में स्थित टोंस नदी में हो रहा है। नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास उत्तराखंड में स्थित टोंस नदी पे हो रहा है। टोंस नदी किस नदी की उपनदी है? यमुना की। इंपॉर्टेंट है, नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे हो रहा है? टोंस नदी पे। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की।